नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सब जीरो के कंट्रोलर पर जब हमारी स्क्रीन पर HT फ्लैश होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या फ़ायदा है और इसे हमें कैसे सेट करना चाहिए। अभी आप एक सब जीरो के माइक्रो कंट्रोलर पर HT लिखा हुआ देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि HT जो पैरामीटर है वो सिर्फ सब जीरो के P मॉडल और T मॉडल में ही अप्लाई होता है, E मॉडल में अप्लाई नहीं होता। दोस्तों जब हम किसी उपकरण पर सब जीरो लगाते हैं तो हम उस उपकरण की एक सीमा तय करते हैं कि हमारा तापमान इस सीमा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसे सेट करने के लिए हमें P2 पैरामीटर में जाना होता है और हम उपकरण की हाईएस्ट सीमा उसमें फीड कर देते हैं, जैसे मैंने अभी 8 किया और जैसे ही मेरा तापमान 8 डिग्री से ऊपर जाएगा, किसी भी समस्या के कारण, कंप्रेशर कम चलने के कारण या लाइट ज़्यादा आने के कारण या फिर कोई अन्य गैस कम होने के कारण, तो मेरा तापमान जो है वो 8 से ऊपर जाने के बाद स्क्रीन पर HT लिखा आना शुरू हो जाएगा। यह इसलिए होता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा उपकरण ठीक प्रकार से कूलिंग नहीं कर रहा और फिर हमें वो फॉल्ट फाइंडिंग करके उपकरण को सही करना पड़ता है। दोस्तों इसका ये फ़ायदा है कि हमें बिना कुछ ज़्यादा देखे हमें यह पता लग जाता है कि हमारा उपकरण का काम जो कूलिंग का है वो स्लो हो रहा है, इसलिए यह पैरामीटर काफ़ी लाभदायक है। इसे आप P2 पैरामीटर में जाकर सेट कर सकते हैं और अपने उपकरण को जब खराब स्थिति में पहुंचने से पहले ही उसके बारे में जान सकते हैं, HT पैरामीटर के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।